हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और पेरिफेरल डिवाइस की, जिसको कहते हैं प्रिंटर। हालांकि प्रिंटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा प्रिंटर को, लेकिन प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, आज हम लोग वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर को अगर हम क्लासिफाई करें, ठीक है, मान लीजिए प्रिंटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, एक तो है आपका, वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे जो होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वर्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आपने डेफिनेशन में हमेशा देखा होगा कि जैसे प्रिंटर को डिफाइन करेंगे तो ए प्रिंटर इज ए पेरिफेरल डिवाइस। तो ये जो वर्ड होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ये होता है कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर से, ये अगर हमारा कंप्यूटर है तो इसके साथ अलग से अटैच किया जाता है, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, ठीक, या स्कैनर हो गया, ठीक है, या और भी डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से, जो हमारे पीसी से अलग से अटैच की जाती हैं, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग वापस लौट आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर पे और नॉन इम्पैक्ट पे। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि जैसे इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को इम्पैक्ट डालना, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रिंटर क्या होते हैं, ये प्रिंटर फोर्सबल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर इंक टू द मीडिया, यानी कि ये प्रिंटर क्या करते हैं कि जिस भी मीडिया पे, मान लीजिए जिस भी पीस ऑफ पेपर पे अगर हमें, मान लीजिए कुछ भी छापना है, कुछ भी टाइप करना है, तो इसका जो प्रिंटिंग हेड होता है वो डायरेक्टली इसको हिट करता है, इस मीडिया को। जैसे टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर में जो प्रिंटिंग हेड है वो डायरेक्टली हिट करता है पेपर को, कागज को, ठीक है, जिस पे भी आप छाप रहे हैं। ठीक, वैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंटिंग हेड है वो डायरेक्टली हिट करता है प्रिंटेबल मीडिया पे, जिस पे हमको कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स, भाई आपको मालूम है प्रिंटर से हम टेक्स्ट भी छाप सकते हैं, ग्राफिक्स भी छाप सकते हैं, तो जो कुछ भी हमको प्रिंट करना है वो डायरेक्टली उस प्रिंटिंग हेड इस मीडिया को हिट करता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंटिंग हेड है वो डायरेक्टली प्रिंटिंग मीडिया के टच में नहीं आता, इसके टच में डायरेक्टली नहीं आता, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो इंक को स्प्रे कर देती है प्रिंटिंग मीडिया पे। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब हम लोग शुरू करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें अगर केवल इम्पैक्ट प्रिंटर की, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक, तो पहला जैसे हम बात करेंगे तो पहला होता है, ये होता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो देखिए, लाइन प्रिंटर क्या होता है, ऐसे जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ए हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस इंस्टेड ऑफ वन और मोर करेक्टर्स एट ए टाइम, ठीक है। यानी लाइन प्रिंटर क्या करता है, ये एंटायर लाइन, पूरी एक लाइन एक बार में प्रिंट कर देता है एट वंस, तो इस तरह के प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहते हैं। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंड क्या होता है, ड्रम प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि हालांकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है,
कि इन दिस ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फॉर्म्ड करेक्टर इमेजेस अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल ड्रम है इस तरह का, ठीक है, इस पे जो करेक्टर्स आपको प्रिंट होने हैं वो ऑलरेडी बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए का ए है, बी है, यहाँ पे डी है, ई है, एफ है, यहाँ पे डी है, ओ पी, इस तरह से इस ड्रम पे, ये जो ड्रम है इस पे करेक्टर बने होते हैं। व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर फॉर द सेलेक्टेड पोजीशन रोटेटेड अराउंड द हैमर लाइन, द हैमर हिट द पेपर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश इट इनटू द रिबन एंड ऑन टू द करेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ड्रम है, इसके ऊपर ये जो प्रिंटेबल मीडिया है, जो भी कागज है, जो भी बैनर है, वो ऐसे मूव करता रहता है ये ड्रम। और जैसे ही, जैसे मान लीजिए हमें ये बी प्रिंट करना है, तो जैसे ही ये बी इस प्रिंटेबल मीडिया के सामने आता है, एक हैमर टाइप रहता है, वो इसको हिट करता है और ये बी का इम्प्रेशन उसके ऊपर छप जाता है। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी होती है ड्रम प्रिंटर की, ठीक। तो ये भी आपका इम्प्रेक्ट प्रिंटर है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा आप लिख सकते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, सॉरी, डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, राउंड डिस्क फाउंड ऑन ओल्डर कंप्यूटर प्रिंटर्स दैट एक्सटेंड्स ए पोर्शन ऑफ द व्हील मेकिंग कॉन्टेक्ट विद इंक रिबन दैट मेक कॉन्टेक्ट विद पेपर क्रिएटिंग द करेक्टर। अब यहाँ पे जैसे ड्रम था, यहाँ पे क्या होता है, एक डेजी व्हील होती है, ठीक है ना। ये डेजी व्हील मान लीजिए यहाँ पे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में बटी होती है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा ऐसे आप समझ लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और इन पे क्या होता है, यहाँ पे करेक्टर लिखे होते हैं, करेक्टर बने होते हैं इस तरह, ई हो गया, ओ हो गया, पी, जो भी है। इसमें भी वही होता है कि जो प्रिंटेबल मीडिया है, मान लीजिए वो उसके सामने आएगा जब डिजायर्ड करेक्टर के, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हैमर हिट करेगा और उस करेक्टर का इंप्रेशन प्रिंटेबल मीडिया पे छप जाएगा। तो ये होता है डेजी व्हील प्रिंटर। हालांकि ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्रिंटर हैं, ये अब रेयरली यूज होते हैं या नहीं यूज होते हैं। अब जो चौथा प्रिंटर मैं कह रहा हूँ, ये आपको अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंक में, कहीं कहीं पे, दे आर कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर आज की डेट में भी यूज हो रहे हैं और ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, द टर्म डॉट मैट्रिक रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स टू फॉर्म एन इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई इमेज फॉर्म करनी, सपोज कीजिए आपको 7 लिखना है, आपको 7 लिखना है, ठीक, तो क्या होगा कि डॉट्स की मदद से ऐसे इस तरह 7 लिखा जाएगा, या आपने कहा कि हमें A लिखना है, ठीक, तो डॉट्स के हेल्प से इस तरह A प्रिंट होगा, ठीक। और जो प्रिंटिंग, मतलब आप कहेंगे कि सर इस तरह क्यों नहीं दिख रहा, इस तरह क्यों दिख रहा, तो ये जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है ये डिपेंड करती है डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच, मान लीजिए हमने कहा 1 इंच जगह ये है, इसके अंदर ये प्रिंटिंग क्वालिटी को मेजर करता है, इसके अंदर कितने डॉट्स हैं भाई, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही छोटे छोटे ये डॉट्स होंगे और प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी उतनी ही फेयर होगी। यानी ये इस तरह देखने बजाय, और अगर छोटे छोटे डॉट हैं तो वो आपको देखिए इस तरह दिखेगा, ठीक। तो जितने ज्यादा डॉट्स पर इंच होंगे उतना ज्यादा आपको प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर होती जाएगी, ठीक। अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के, तो पहला एडवांटेज यह है कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, दूसरा यह है कि इट कैन प्रिंट ऑन कंटिन्यूअस स्टेशनरी, मतलब कि कंटिन्यूअस स्टेशनरी का मतलब
कि जैसे प्रिंटिंग रोल है और उनको आप ऐसे बढ़ाते चले जाइए और उस पर मैटर जो है आपका वो प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक, जैसे आपने बैंक में, ठीक है, या अदर गवर्नमेंट ऑफिसों में आपने देखा होगा अकाउंट स्टेटमेंट या और चीज़ें निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, थर्ड क्या एडवांटेज है कि दे आर रोबस्ट एंड कैन बी यूज्ड इन डर्टी और हार्श कंडीशन। और फोर्थ है, यूजिंग कार्बोनेटेड पेपर डॉटमेटिक प्रिंटर्स कैन क्रिएट ए कार्बन कॉपीज। तो इसमें ये फायदा है कि आप मान लीजिए आपको दो या तीन डुप्लीकेट कॉपी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आप वो कार्बोनेटेड पेपर लगा, पेपर का रोल लगा देंगे, तो ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपको एक कॉपी या दो कॉपी कार्बन कॉपी भी आप साथ ही में निकाल सकते हैं। तो ये एडवांटेज है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है इसके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि लो रिजोल्यूशन प्रिंट क्वालिटी, यानी इसकी प्रिंट क्वालिटी उतनी फेयर नहीं होती है, रिजोल्यूशन लो होता है। दूसरा क्या होता है कि स्पीड इनकी स्लो होती है। तीसरा यह है कि जब ये प्रिंटिंग करते हैं तो नॉइज क्रिएट होती है, दे आर नॉइजी। मतलब आप देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रिंट क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं होती है, स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है, नॉइजी होते हैं जब ये प्रिंटिंग करते हैं तो आवाज़ आती है, और थर्ड क्या है कि कलर कॉपी ये नहीं प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूज है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। तो ये इंपैक्ट प्रिंटर की हम लोग बात करें तो चार तरह के प्रिंटर हम लोग पढ़े, पहला लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम लोग आते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मतलब कि जहां पे प्रिंटिंग हेड, और देखिए अब हम लोग लिखते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंटिंग हेड है और जो प्रिंटेबल मीडिया है, जो कागज है जिसपे हमको छापना है, वो डायरेक्टली टच में नहीं आते, साफ बात, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली आप कह सकते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर देन इंपैक्ट प्रिंटर एज देयर प्रिंटिंग हेड्स डू नॉट स्ट्राइक द पेपर। क्योंकि जो प्रिंटिंग हेड है वो इस पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करते हैं, टच में नहीं आते हैं, इसलिए इसमें नॉइज उतनी नहीं क्रिएट होती, ये शांति से क्वाइटली काम करते हैं। ठीक है, मोस्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस डॉट मैट्रिक्स पैटर्न। ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पैटर्न शो कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, ये जैसे पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इसको पहला आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट प्रिंटर, अभी इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सेकंड आप लिख सकते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिंटर। फोर्थ लेजर प्रिंटर, जो आज के समय में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेजर प्रिंटर। ठीक, फिफ्थ इंकजेट प्रिंटर, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इंकजेट प्रिंटर। और इसके बाद आप आते हैं प्लॉटर। प्लॉटर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वाइट फॉर्मेट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट प्रिंटर एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर। यानी कि ये प्रिंटर जो है बहुत फास्ट होते हैं। अभी जैसे हमने लाइन प्रिंटर पढ़ा था तो वो तो एक लाइन एक बार में छाप रहे थे, ये प्रिंटर क्या करते हैं, ये एक पेज, ठीक है, मतलब कि यू कैन से अबाउट 2000 लाइंस
ठीक है, पर मिनट ये इतनी तेजी से छपाई कर सकते हैं। ठीक, ये फायदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का। और अगर आप एक एक एवरेज लें तो 2009 मतलब आप मान सकते हैं कि करीब करीब 250 पेज, 250 पेजेस पर मिनट ये प्रिंटर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस प्रिंटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जैसे आप जो पेपर कॉपियर होते हैं ना, फोटो कॉपियर, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आप थर्मल प्रिंटर पे। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर पेपर टेंड्स टू डार्केन ओवर टाइम ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट एंड हीट। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट प्रोड्यूस इज पुअर। थर्मल प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट सच एज पोर्टेबल कैलकुलेटर। तो देखिए, थर्मल प्रिंटर के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि थर्मल प्रिंटर पेपर टेंड्स टू डार्कन। अगर थर्मल प्रिंटर से आपने कोई प्रिंटआउट निकाला है और वो प्रिंटआउट आप सनलाइट के आगे एक्सपोज कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डार्कन हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये इमरजेंसी में यूज होता है। जनरली जो पोर्टेबल कैलकुलेटर होते हैं, पोर्टेबल कैलकुलेटर, समझ रहे हैं, उनमें इसका यूज होता है। मतलब ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसीलिए। अब आ जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर में क्या होता है कि ये लार्ज फॉर्मेट, अगर कोई आपको बड़ा साइज का प्रिंट, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, अगर कोई आपको बड़े साइज की प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यूज किए जाता है। ठीक है, क्यों क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये फास्टली प्रिंट करते हैं और इनकी कॉस्टिंग कम आती है, मतलब कि फास्ट प्रिंटिंग और लो कॉस्ट, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसलिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक, अब आ जाइए लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। आज की डेट में मैक्स मोस्ट वाइडली यूज यही दो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। दोनों में कौन सा कहाँ यूज होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेजर प्रिंटर क्या होता है? दिस प्रिंटर्स प्रिंट इन द सेम वे एज द फोटो कॉपियर द पावर्ड इंक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंक यूज होती है वो उसको बोलते हैं टोनर। ठीक, और टोनर के अंदर जो इंक होती है वो ध्यान रखिएगा पावर की पाउडर की फॉर्म में होती है, पाउडर की फॉर्म में होती है। ठीक, सूखा पाउडर की फॉर्म में। ठीक, और द पावर्ड इंक ट्रांसफर टू पेपर टू फॉर्म ए टेक्स्ट और इमेज पैटर्न। ठीक, इट इज देन फिक्स्ड बाय हीट एंड प्रेशर। तो ये जो पाउडर की फॉर्म में इंक होती है, ये जो प्रिंटेबल मीडिया है उसके ऊपर पहले ये थ्रो की जाती है और फिर हीट और प्रेशर से जो भी करेक्टर फॉर्म होना है वो वहाँ पे छप जाता है। ठीक, द लेजर प्रिंटर्स आर क्वाइट एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी हाई क्वालिटी। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर्स कैन बी अप टू 10 to 20 पेजेस पर मिनट। तो इनमें ये फायदा है कि इसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी हाई होती है और इनकी स्पीड भी हमको मिल जाती है 10 से 20 पेज पर मिनट। ठीक है, तो इसलिए ये लेजर प्रिंटर यूज किए जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करनी है, अगर आपको बल्क प्रिंटिंग करनी है, बल्क प्रिंटिंग, तो लेजर प्रिंटर मोस्ट सुटेबल है। ठीक, अगर इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे अलग से, ठीक, तो एडवांटेज इसके अगर हम बात करेंगे तो पहला तो ये है कि इनका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है, मतलब पिक्चर क्वालिटी आप ही समझ लीजिए 600 से 1200 डीपी डॉट पर इंचेस, ये रिजोल्यूशन तक ये देते हैं। दूसरा, हाई क्वालिटी प्रिंटआउट आपको बता ही दिया। तीसरा, आप इसकी स्पीड फास्ट होती है, हमने आपको बताया 10 से 20 पेजेस पर मिनट। ठीक, उसके बाद लगभग इसमें नॉइज नहीं होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट साइलेंटली ये काम करते हैं। ठीक, और इसकी जो कॉस्टिंग आती है, लो कॉस्ट रनिंग कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। ठीक है, लो कॉस्ट पर पेज ऐसे लिख दीजिए आप, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये एडवांटेज होते हैं लेजर प्रिंटर के। ठीक, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज,
ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पहले डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें कि इनकी जो अपनी कॉस्ट होती है, ठीक है, प्रिंटर की, जो प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं, पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं, प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है, प्रिंटर कॉस्ट, वो एक्सपेंसिव होती है। यहाँ तक कि जो कलर लेजर होते हैं, कलर लेजर प्रिंटर, वो तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाईली एक्सपेंसिव, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक, सेकेंड डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये है कि इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। रिपेयरिंग कॉस्ट इज हाई, मतलब अगर प्रिंटर गड़बड़ हो गया तो उसको रिपेयर कराने में भी आपको अच्छा खासा खर्चा आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे डिसएडवांटेज की, तो तीसरा है हमारा कि इट कैन नॉट बी यूज ऑन कंटिन्यूअस और मल्टी पार्ट स्टेशनरी टू क्रिएट कार्बन कॉपी। इसमें जो अभी हमने बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के केस में कि कंटिन्यूअस स्टेशनरी हम लोग पेपर का रोल यूज कर सकते हैं, इसमें आप कंटिन्यूअस स्टेशनरी नहीं यूज कर सकते। कंटिन्यूअस स्टेशनरी नहीं यूज कर सकते और इसी वजह से आप कार्बन कॉपीज भी नहीं यूज कर सकते। और चौथा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि अभी जैसे आज की डेट में जनरली A4 साइज या A5 साइज प्रिंटिंग ही आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ प्रिंटर जो है A3 साइज के भी आ गए हैं, लेकिन जनरली जो है ये A4 और A5 साइज प्रिंटिंग में ही यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका लेजर प्रिंटर की बात। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर रह गया, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जनरली सबके घरों में या स्मॉल ऑफिसेज में सब जगह आपको मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एन इंकजेट प्रिंटर दैट फायर्स एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू क्रिएट इंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट और इमेज। इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये कोई पेपर है, ठीक, इस पे अगर मान लीजिए हमको कोई करेक्टर लिखना है ए, तो वो यहाँ पे हीट और प्रेशर की जरूरत नहीं है, वो इंक की ड्रॉपलेट्स इस पे स्प्रे कर देते हैं, ऐसे ये बन गया आपका ए। ठीक है, तो द प्रिंटेड ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कंटेन टीनी नोजल, टाइनी नोजल्स थ्रू विच डिफरेंट कलर्ड इंक्स कैन बी स्प्रेड ऑन टू पेपर टू फॉर्म द करेक्टर और ग्राफिक इमेज। इसमें क्या होता है, जनरली इंकजेट प्रिंटर में दो ही, देखिए प्रिंटिंग की दो ही टेक्नोलॉजी होती है, या तो CMYK यूज होती है या RGB, रेड ग्रीन ब्लू, या तो ये तीन तरह के कार्टेज होते हैं इंकजेट प्रिंटर में, या तो ये चार तरह के कार्टेज होते हैं, तीन एक में आते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, और ये हो गया ब्लैक। तो चाहे ये टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, चाहे ये टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, अगर मान लीजिए आपको ए प्रिंट करना है जिस भी कलर का, तो प्रिंटर के सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसी परसेंटेज का ग्रीन, रेड और ब्लू ड्रॉपलेट्स उसी पैटर्न पे स्प्रे की जाती हैं और आपका रिक्वायर्ड कलर में ए बन जाता है, ये होता है। अगर CMYK टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसी परसेंटेज के हिसाब से, प्रिंटर सॉफ्टवेयर के हिसाब से, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक की ड्रॉपलेट्स ड्रॉप की जाती हैं और जो भी रिक्वायर्ड कलर है उस कलर का वो करेक्टर या वो ग्राफिक्स बन जाता है। तो ये बेसिक होता है इंकजेट प्रिंटर का। ठीक, अब इसके एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, तो इसके एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज तो ये है कि इसकी रिजोल्यूशन क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, 300 से 600 डॉट पर इंचेस। ठीक, सेकंड क्या है, इसकी प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं, प्रिंटर की कॉस्ट, प्रिंटर कॉस्ट वो आपकी काफी चीप होती है, मतलब हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, 3,000, 4,000, 6,000 के से शुरू हो जाते हैं, इवन 2,000 से भी शुरू हो जाते हैं, तो आप इसको ला सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या है कि
आपने, मैंने आपको बताया है कि स्मॉल ऑफिस या घर पे यूज करने के लिए ये बेस्ट सूटेड होते हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या है कि वेट जो है इनका काफी हल्का होता है, लाइटर इन वेट। फिफ्थ एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट होते हैं, किसके कम फास्ट इन कंपेरिजन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसके अपेक्षा ये फास्ट होते हैं। छठा एडवांटेज क्या है कि इनमें आवाज बहुत कम होती है, बहुत ही शांति से, वेरी क्वाइटली ये अपना काम करते हैं। और सातवां एडवांटेज क्या है कि आप इसमें ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ये यानी कि अगर आपको छोटे इसके मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत है तो स्मॉल ऑफिस या होम के लिए इंकजेट प्रिंटर बेस्ट सुटेबल होते हैं, अदरवाइज फिर लेज़र प्रिंटर यूज़ कीजिए अगर कॉमर्शियली आपको यूज़ करना है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और तरह के प्रिंटर की, उसको वाइट फॉर्मेट प्रिंटर ही बोलते हैं, बट दे आर कॉल्ड प्लॉटर। देखिए प्लॉटर क्या होते हैं, ए प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, या इसको आप सिंपल ऐसे आप समझ लीजिए आसान लहजे में कि वाइड फॉर्मेट जो प्रिंटर काफी ज्यादा आपको चौड़ाई में प्रिंटिंग करनी है, बैनर छापने हैं, बड़े बड़े होल्डिंग छापने हैं, उनके लिए प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। ठीक, अर्लियर डेज में प्लॉटर यूज किए जाते थे किसमें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, कैड में, ठीक, सिमेटिक में और अदर प्रिंटिंग जॉब में। ठीक है, अब क्या है कि अब सिंपली इनका इस्तेमाल होता है वाइट फॉर्मेट प्रिंटिंग में, जैसे आपको होल्डिंग्स वगैरह प्रिंट करना है या बैनर प्रिंट करना है तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये अपना नॉर्मल A4 A5 नहीं, आपको 12 फीट 20 फीट 18 फीट इस तरह की चौड़ाई का आपको होल्डिंग्स लगानी है, बैनर लगाने हैं, तो उसके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके एडवांटेज ये हैं, पहला कि ड्राइंग्स आर ऑफ द सेम क्वालिटी एज इफ एन एक्सपर्ट ड्रू देम, मतलब जो ड्राइंग होती है भाई जो कि मशीन इसको छाप रही है तो ड्राइंग थ्रू आउट द बैनर सेम क्वालिटी की आती चाहे जितना बड़ा बैनर हो। ठीक, और सेकेंडली क्या है आपका कि लार्जर साइज ऑफ पेपर कैन बी यूज देन वुड बी फाउंड ऑन मोस्ट प्रिंटर, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि लार्जर साइज 12 फीट चौड़ा आपको होर्डिंग लगाना है, 10 फीट चौड़ा लगाना है, 8 फीट चौड़ा लगाना है, 20 फीट चौड़ा बनाना है, तो लार्जर साइज प्रिंटिंग इसमें इसकी हेल्प से पॉसिबल है। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके क्या है, पहला क्या है कि इनकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, ये स्लोअर होते हैं देन प्रिंटर के, दूसरा एडवांटेज क्या है कि दे आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव टू बाई देन प्रिंटर, यानी ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक, एक तो स्लोअर होते हैं, दूसरा मोर एक्सपेंसिव होते हैं, तीसरा क्या है ये दे आर नॉट सुटेबल फॉर टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए सुटेबल नहीं होते, ग्राफिक्स के लिए होते हैं। चौथा है कि देयर इज ए लिमिट टू द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दीज प्लॉटर्स कैन प्रोड्यूस, कि इसमें डिटेल्स की एक लिमिट होती है। ठीक है, डिटेल्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, उससे ज़्यादा प्लॉटर जो है नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और पांचवा जो डिसएडवांटेज है उसमें क्या है कि चीपर प्रिंटर कैन हैंडल A3 A2 साइज पेपर। ठीक है, तो अभी क्या है कि प्रिंटर जो आपके सस्ते प्रिंटर हैं, जो चीपर प्रिंटर हैं, प्लॉटर की अपेक्षा बहुत सस्ते पड़ते हैं,
वो भी A3 साइज और A2 साइज प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से प्लॉटर की इतना कॉस्टली प्लॉटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे। आई होप कि आपको प्रिंटर्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, ठीक है। अगर आपको इससे अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ पूछना है, कोई भी सजेशन है आपका, तो कमेंट लाइन में उसको कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।